लंगोट अभी भी पहन सकते हो, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। और शायद स्कूल में या कहीं पे भी ये सब सिखाया जाता तो आपके शरीर का लेवल कुछ और ही होता। सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करना नॉर्मल समझते हैं जो लोग, फिर तो तुम लोग ब्रह्मचार्य है जिससे महान पुरुषों ने मृत्यु तक को जीता, तुम लोग उसको भी गलत साबित कर रहे हो। तुमसे अच्छे तो फॉरेन के लोग हैं, तुम अपने देश की शक्ति ब्रह्मचार्य को समझ नहीं पाए, लेकिन बाहर के लोगों ने हमारे ब्रह्मचार्य को समझा और उसमें से एक पार्ट निकालकर नोफैब बना दिया, जिसके एनर्जी से वो लोग आज हमसे ऊपर चले गए, इतनी अधिक ऊपर चले गए। जाने नहीं चाहिए थे क्योंकि खुराक सबसे शक्तिशाली अभी भी हमारे देश की है। तो कम से कम ज्यादा कुछ अगर नहीं कर सकते शरीर को और दिमाग को तो शक्तिशाली बनाओ, कम से कम शरीर और दिमाग से तो शक्तिशाली बनो ही। नमस्ते, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबके घर वाले आप सब सुखी स्वस्थ होंगे। क्या आपने कभी सोचा है पुराने समय के जो लोग होते थे, वो चाहे पहलवान हो, सैनिक हो, किसान हो, जवान हो, वो सब काम वासना पर काबू करके एक शक्तिशाली और ताकतवर शरीर कैसे बना लेते थे? ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे कि काम वासना से जो एनर्जी हमारे शरीर की निकलती है उससे हमारे दिमाग का विनाश होता है और शरीर का तो होता ही होता है। लेकिन पुराने समय के जो लोग होते थे उनका काम वासना पर बहुत अधिक कंट्रोल होता था, इतना कंट्रोल कि वो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही संभोग करते थे। और फिर वही लोग होते हैं ये जो कि 100 साल जीते थे, 70-80 साल तक तो बिना किसी कोई दिक्कत के शक्ति के साथ काम करते थे। देखो, काम वासना तो लोगों में उस समय भी होती थी, लेकिन वो कंट्रोल कैसे करते थे, क्या क्या वो चीजें करते थे जिससे अपने आप उनकी काम वासना कंट्रोल हो जाती थी, उसके बारे में मैं आज आपको टिप्स दूंगा। पहले क्या होता था, लोग लंगोट पहनते थे, ये आप देखते होंगे, धोती होती थी जो कि हमारे बुजुर्ग पहनते थे। एक तो खुले कपड़े पहनने से आदमी का दिमाग शांत रहता है, खुला रहता है, लेकिन जैसे ही आप टाइट कपड़े पहनोगे जो कि ये अंग्रेजों ने चला रखे हैं, हम भी पहनते हैं, तो बॉडी टाइट होगी, दिमाग टाइट होगा, अशांत होगा आपका दिमाग, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और आज के समय में तो ये अंडरवेयर से आ गए हैं, ठीक है, ये पहनते हैं जो हम, ठीक है, मतलब जहाँ टाइट कपड़ा पहनना चाहिए वहाँ तो हम खुला कपड़ा पहन रहे हैं, और जहाँ पर हमें खुला कपड़ा पहनना चाहिए वहाँ पर हम जीन्स पहन रहे हैं, ठीक है, या लवर पहन रही है। तो पहले हर समय इंसान लंगोट पहन कर रखता था, ऊपर से खुले कपड़े पहनता था, जैसे कि धोती हो गई, पजामा हो गया, जिससे एक तो सबसे पहली जो चीज़ है, 50% से ज़्यादा इंसान काम वासना पर काबू पा सकता था लंगोट से। और दूसरी चीज़, अगर सेक्सुअल एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है तो मात्रा बढ़ने के बाद वो हमारे शरीर में जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है, नाइटफॉल के दौरान बाहर निकल जाती है, फिर महीने लग जाते हैं उसको इकट्ठा करने में, लेकिन लंगोट से वो शरीर से बाहर नहीं निकलती। अगर कोई इंसान लंगोट पहन रहा है, ठीक है, हर टाइम लंगोट पहन के रखता है, तो मतलब ही नहीं बनता कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी शरीर से बाहर निकल जाए। कहने का मतलब, नाइटफॉल तो हो ही नहीं सकता अगर आप लंगोट पहनकर सोते हो। हाँ, अगर आप उल्टा सीधा देखोगे, उल्टा सीधा सोचोगे, उल्टा सीधा खाओगे, फिर तो भाई लंगोट में भी, बाकी आप समझदार हो। दूसरी चीज़ ये है कि पहले के समय हर कोई सुबह 3-4 के बीच में उठ जाता था, तो इससे क्या होता है, काम वासना से इंसान बच जाता था, हर कोई सुबह जल्दी उठकर अपना काम पर लग जाता था, राइट। पहले के लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अश्वगंधा, सतावर के, सरभसम, इससे वो शरीर को शक्तिशाली बनाते थे। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अगर देखा जाए तो पहले जैसी प्योर जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती, तो जैसे कि ठंडों का मौसम शुरू हो चुका है तो इस समय आप जड़ी बूटियाँ खा सकते हो अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे कि अश्वगंधा। अब कुछ लोग बोले हैं कि कहाँ से लेकर आएँ, प्योर नहीं मिलती, तो भाई आप ले सकते हो इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा, ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, बॉडी बनाने के लिए हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। ये जो अश्वगंधा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्योर है, आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। आप रात को गर्म दूध के साथ अगर 2 कैप्सूल हर रोज इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको सबसे पहले तो आपके पावर और स्टेमिना में फ़र्क दिखेगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सेक्सुअल एनर्जी जितनी भी आज तक आपने वेस्ट की वो धीरे धीरे रिकवर होती जाएगी, और जब वो रिकवर होगी तो आपको इम्प्रूव दिखेगा अपनी स्ट्रेंथ में, और शायद हाइट भी बढ़ सकती है आपकी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको ऑर्डर करा सकते हो, अमेजोन पर इसका बहुत अच्छा रिव्यू है। शिक्षा, अच्छा पहले क्या होता था, गुरुकुल होते थे और इतनी उच्च और अच्छी शिक्षा दी जाती थी कि मतलब उस शिक्षा को प्राप्त करके एक साधारण परिवार का बच्चा कोई सेनापति बन जाता था, कोई साम्राज्य स्थापित कर देता था, कोई तगड़ा राजा बन जाता था, कोई शक्तिशाली योद्धा बन जाता था या फिर पहलवान बन जाता था। तो ये सब जो होते थे, ये सब हमारे देश में जो गुरुकुल होते थे वहीं से शिक्षा प्राप्त करके निकलते थे। 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी, कंपलसरी होती थी,
तो अंग्रेजों ने देखा कि यार इस शिक्षा में कुछ तो है, कुछ तो खास है कि यहाँ पर इतने शक्तिशाली महान योद्धा बन रहे हैं सब, ठीक है, क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं। तो बस उन्होंने हमारी शिक्षा ख़त्म कर दी, तभी आग लगा दी थी गुरुकुलों में। अब उस समय बच्चों को संस्कार भी दिए जाते थे। आज क्या हो रहा है, आज माँ बाप बच्चों को हिस्ट्री तक नहीं बताते, संस्कार तो बहुत दूर की बात है, हिस्ट्री तक नहीं बताते और फिर बाद में बोलते हैं कि हाथ से निकल गया। हमारी जो शिक्षा अब बनी है उसमें ना तो मोटिवेशन रहा है, जो हिस्ट्री की किताबें हैं मुगल भरे पड़े हैं उसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, फिजिकल की किताबें हैं उसमें कोई अच्छा फैक्ट नहीं बता रखा, बस वही नॉर्मल चीज़ें बता रखी है जो कि बच्चे से बच्चे को भी पता होती है, मतलब ताकत नहीं रही हमारी शिक्षा में, संस्कार नहीं रहे। देखो अगर आज भी आप किसी पहलवानों की हिस्ट्री पढ़ोगे, योद्धा की हिस्ट्री पढ़ोगे, देखो ये तो खुद करना पड़ेगा, सिर्फ सोने से पहले एक घंटा दे दो एक बुक को हर रोज़, ठीक है, इस चीज़ को तो सबसे पहले सबसे अलग बन जाओगे इस चीज़ को फॉलो करने से, आप शरीर से भी दिमाग से भी। और ये नहीं पता कि क्या आपके हाथ लग जाए, कहाँ से आपके दिमाग में कौन सा विचार आ जाए जो कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। फिर मैं बात करूँ अगर खान पान की, पहले जब कोई जश्न होता था, पार्टी होती थी, शादी होती थी, तो ऐसे बनता था जैसे कि देसी घी की जलेबी, लड्डू, हलवा देसी घी का। तो लेकिन आज जो फास्ट फूड हम शादी और पार्टी में खाते हैं वो क्या करता है, काम वासना बढ़ाता है, और सबसे अधिक काम वासना हमारी बढ़ती है नॉनवेज खाने से। पहले लोग शाकाहारी होते थे, पहले लोग धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे, शाकाहारी होते थे अधिकतर, आज धार्मिक शिक्षा अधिक रही नहीं तो हर कोई नॉनवेज खा रहा है, आज हर कोई अंडा खा रहा है, मांस खाता है, और कुछ मूर्ख तो ऐसे हैं अंडे को सोचते हैं कि अंडा शाकाहारी में आता है, अंडे को शाकाहारी बताते हैं, अरे भाई तू ये तो देख ले अंडा निकल कहाँ से रहा है। तो ये चीज़ हमारी काम वासना बढ़ाती है जिससे हम वेग को रोक नहीं पाते और फिर नुकसान कर लेते हैं अपना। पहले ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और सब खेलों में भाग लेते थे, मतलब हर कोई फिजिकल एक्टिविटी अधिक करता था, तो उनको पता था कि अगर उनकी सेक्सुअल एनर्जी निकली तो उनकी ताकत चली जाएगी, दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पहलवान भी इस चीज़ में मतलब बिल्कुल अनुशासन के साथ इसको फॉलो करते थे, 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन पहलवान किया करते थे। लेकिन आज हम मोबाइल में खेलते हैं सब कुछ, इंटरेस्ट खत्म हो गया खेलों में, पता नहीं कितने तो हमने खेल लुप्त कर दिए हमारे भारत के। तो ये तो थे वो पॉइंट जिसकी वजह से पहले लोग काम वासना पर काबू रखते थे। अब एक चीज़ सोचो, कोई लड़का है उसको हम धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, वो स्कूल में गलत चीज़ें सीखेगा, गलत गालियां सीखेगा, उल्टा सीधा सीखेगा, फिर वो घर आता है टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, कुछ वहां से सीखेगा, तो वह वहां पर उसकी काम वासना जागती है, फिर वो उल्टा सीधा खाएगा, फिर वहां पर जागती है। एक कमरे में लड़का रहता है पूरा पूरा दिन, तो भाई क्या लगता है इन सब के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो बस यही है, यहीं पर हम मार खा रहे हैं। तो बस यही थी वीडियो, अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।